सो वायरल हिट एपिसोड 32 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था हॉबिन सियनजुन के पास जाता है और अपनी फैमिली यानी उसकी माँ को इन्वॉल्व करने के लिए बहुत गुस्सा करता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम हॉबिन को बहुत ज्यादा गुस्से में देखते हैं। वो कहता है, फक यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ, तुम मेरे फैमिली के पीछे आए। पर सियनजुन हंसते हुए कहता है, हाय हॉबिन, क्या कुछ गलत हुआ है तुम्हारे साथ? क्या प्रॉब्लम है बोलो? वैसे तुम हमारे नए रिक्रूट के बारे में क्या सोचते हो? और तभी देखते हैं वो हंसने लगता है और कहता है, सॉरी मैं हंस रहा हूँ, पर तुम्हारा फेस पता है मुझे तुम्हारी मॉम की याद दिलाता है। ये सुनते ही हॉबिन को बहुत गुस्सा आता है। वो दौड़ते हुए जाता है और कहता है, यू सन ऑफ ए बीच। और तभी हम देखते हैं उसको आके कोई टैकल करता है। वो पूरी तरह से चौंकता है, दर्द में चीखने लगता है। पर तभी वो बंदा कहता है, डोंट मूव। वो उसकी पैर को जकड़ लेता है। हॉबिन अपने पैर को निकालने की कोशिश करता है पर कोई फायदा नहीं था। वो बंदा फिर कहता है, अगर तुम नहीं चाहते कि हमेशा के लिए अपने पूरे जिंदगी के लिए व्हीलचेयर पे बैठ जाओ तो हिलो मत। वो बंदा उस पर किया था हिल हुक। हॉबिन दर्द में चीख रहा था पर कोई रास्ता नहीं था। वो बंदा उसकी पैर को और जकड़ते हुए जा रहा था और कहता है, शायद तुम्हें मेरी बात सुन लेनी चाहिए थी। और देखते हैं वो उसकी एंकल को ट्विस्ट कर देता है। दर्द से हॉबिन चीखने लगता है और सोचता है, मैं दर्द से चीख रहा था, एक डर मेरे शरीर के अंदर, मेरे दिमाग के अंदर बस गया था। और तभी चिल्ला के कहता है, ओके मैं वो ही करूँगा जो तुम कहते हो, प्लीज छोड़ दो मुझे। पर वो बंदा हंसते हुए कहता है, नहीं, तुम्हें पहले प्लीज़ कहना चाहिए था। हॉबिन सोचता है, ये मेरी ज़िंदगी में पहली बार था जब मैं कोई जिजित्सु फाइटर से लड़ रहा हूँ। वो बंदा हंसता है और कहता है, मैं तुम्हें टीच करूँगा कि मैनर्स क्या होता है। ये बंदा और कोई नहीं बल्कि रफ एंड रेडी चैनल से जिसु जू है। कुछ देर बाद देखते हैं वो हॉबिन की पैर को शायद मोड़ देता है। हॉबिन दर्द से चिल्लाने लगता है और सोचता है, मेरे अंदर जितने भी सारा गुस्सा था वो पता नहीं कहीं गायब हो चुका था। मैं फाइट करना भी नहीं चाहता, फाइट करने का कोई मन ही नहीं है मेरा। मुझे पता है मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। ये मैं तब रियलाइज कर रहा था जब उसने मुझे पकड़ा था। डरते हुए वो उस बंदे को कहता है, दूर रहो मुझसे। वो बंदा उसके पास आके कहता है, क्या तुम तो मेरे सीट के बापे हो, हटो बाहर से। हॉबिन बस सोचता है, डर ने मुझे घेर लिया था, मैं ऑलरेडी हार चुका हूँ, ये पहली बार था जब मैं। वो कुछ सोचता तभी देखते हैं सियनजुन कहता है, अरे हॉबिन, ये क्या बात है, तुम लड़ नहीं रहे हो क्या? लड़ने की कोई इच्छा नहीं है तुम्हारे अंदर? नहीं हॉबिन, तुम ऐसे नहीं डर सकते, तुम तो वीट हो। क्या ये पहली बार है जब तुम जिउजित्सु फाइटर से लड़ रहे हो? क्या वो इतना ज्यादा स्कैरी होते हैं? पर मैंने बिल्कुल ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम डर जाओगे। तभी देखते वो उसके मॉम की कॉन्ट्रैक्ट दिखाने लगता है और कहने लगता है, पता है तुम्हारी मॉम के साथ मेरा 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो भी सिर्फ महीने का 3 मिलियन वॉन करके। और पता है वो मेरे लिए गोल्डन बूस की तरह है क्योंकि पहली ही लाइव स्ट्रीम में 15,000 व्यूअर्स आए थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। बताओ तुम्हारी मॉम अब मेरे लिए 5 साल के लिए काम करेंगी। पर बताओ हॉबिन, क्या तुम चाहते हो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को तुम्हारे सामने फाड़ दूँ? हॉबिन कहता है, प्लीज फाड़ दो। वो हंसते हुए कहता है, एक ही रास्ता है पर मुझे नहीं लगता है कि तुम ऐसा करोगे क्योंकि तुम तो पैसे के लिए बहुत ज्यादा भूखे हो, है ना हॉबिन? पर हॉबिन कहता है, मैं करूँगा, कुछ भी करूँगा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज उस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ दो, प्लीज मैं तुमसे वीक मांगता हूँ। सियनजुन हंसता है और कहता है, ये बहुत ज्यादा सिंपल है हॉबिन, तुमको बस अपना सब कुछ, अपने कंपनी और अपने सब कुछ जो भी तुम्हारा कंपनी ओन करता है मुझे दे देना होगा। हॉबिन बहुत ज्यादा चौंकता है। सियनजुन कहता है, अगर तुम ऐसा कर पाओगे तो ही मैं तुम्हें तुम्हारे सामने इस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ दूंगा। हॉबिन अभी भी चौंका हुआ है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं उसके घर में वो आके रो रहा है, दीवार पे अपना सर मार रहा है और सोचने लगता है, कैसे उनके सामने मैं झुक सकता हूँ, क्यों मैं उनके सामने कुछ भी नहीं कर पाया, आखिर उन्होंने मेरी माँ को ह्यूमिलिएट किया है, वो भी सबके सामने, मैं अब क्या करूँगा। वो रोने लगता है, अपने कंपनी के बारे में सोचने लगता है और सोचता है, मुझे पता नहीं कि मैं क्या करूँगा। सीन शिफ्ट होता है। तभी हम देखते हैं स्नैपर को, वो भी हॉबिन के साथ इसी बारे में बात कर रहा था। वो दोनों बात कर रहे थे कि उनके पास अब कोई ऑप्शंस नहीं है क्योंकि एडवांटेज जो पूरी तरह से वो सियनजुन की तरफ ही है। यहाँ तक कि योलगा वो भी कहती है, क्या
क्या इसका मतलब मुझे उसके लिए काम करना होगा? नहीं, मैं ऐसा काम नहीं करूंगी, मुझे करना नहीं है, इसलिए तो मैंने इस कंपनी को ज्वाइन नहीं करी थी। ये सुनकर स्नैपर कहता है, क्या बात कर रही हो तुम, क्या तुम्हारे लिए हॉबिन की मॉम मायने नहीं रखती? तुम्हें पता है ना बोगी इतने मुश्किल में है। यह सुनकर योलगा कहती है, नहीं मैं उस बारे में बात नहीं कर रही हूँ, तुम मेरी बात को घुमा रहे हो। और वो दोनों झगड़ने लगते हैं। हॉबिन वहीं पे चुपचाप खड़ा हुआ है। कुछ देर बाद मानगी को भी देखते हैं। बोलो किसी इसी बारे में बात कर रहे हैं कि उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। पर कुछ देर बाद तभी हॉबिन कहता है, आई एम सॉरी गाइस, सॉरी इतना वीक होने के लिए। अभी तो नया हमने ऑफिस लिया था, मुझे लगा था कि फाइनली हम कहीं जा रहे हैं, पर सडनली ऐसा हो गया, आई एम सो सॉरी। वो लोग पूछते हैं, आखिर तुम्हारा क्या करने का प्लान है? वो कहता है, मैं छोड़ दूंगा। ये सुनकर सभी चौंकते हैं और कहते हैं, क्या? वो हंसते हुए कहता है, मैं न्यूटू भी छोड़ दूंगा। स्नैपर कहता है, डूड किस बारे में बात कर रहे हो तुम? हॉबिन कहता है, हाँ पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, अगर मैंने एक बार न्यूटू छोड़ दिया, सियोन जून तुम में से किसी के पास नहीं आ पाएगा। नो मैटर मैं कितना ज्यादा सोचूं, पर मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं है। मैं बस तुम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कर सकता हूँ वो यही कर सकता हूँ। वो अपने पुराने सारे पास्ट के बारे में सोचता है, सबके बारे में सोचता है, कैसे उन लोगों ने मज़े किए थे, कैसे उन लोगों ने अपनी कंपनी स्टार्ट किया था। वो रोते हुए कहता है, मैं छोड़ दूंगा। पर तभी देखते हैं कोई आके चिल्लाता है और कहता है, दैट्स बुलशिट, और उसके ऊपर कुछ से फेंकता है। सामने हम और कोई नहीं बल्कि तेउन और रूमी को देखते हैं। तेउन कहता है, इतना दूर आने के बाद तुम छोड़ने की कोशिश कर रहे हो हॉबिन? स्नैपर योलगा हॉबिन और मानगी को देखते हैं। वो लोग उन्हें सामने देख के चौंकते हैं और तभी देखते हैं रूमी और तेउन एक साथ कहते हैं, क्या हो अगर हम पूरे टेबल को ही पलट दे तो? क्या फिर तुम आगे आ पाओगे? फिर तुम लड़ पाओगे उनके साथ जैसे कि तुम हमेशा करते हो? सीन शिफ्ट होता है, तभी हमें दिखाया जाता है हॉबिन अपने कंप्यूटर में ढूंढ रहा था और सोचने लगता है, कहीं तो होना ही चाहिए, प्लीज़ आ जाओ, इसे तो एग्जिस्ट करना ही चाहिए। वो रो रहा है, कंप्यूटर में सर्च कर रहा है, वो जीसू के बारे में सोच रहा है। तभी हम सैमदा की एक वीडियो को देखते हैं जिसमें वो कहता है, क्या तुम इसी को ढूंढ रहे थे? ये जो लेसन है ये एडवांस फाइटर्स के लिए है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे एक जिउजित्सु फाइटर को हराया जा सकता है। ये देख के हॉबिन मॉनिटर में सर दे के रोने लगता है और बस सोचता है, हाँ जैसा कि मैंने सोचा था ये एग्जिस्ट करता है। ये बात सुन के पहले तो उनमें से किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, क्या हम टेबल को टर्न कर सकते हैं? पर कैसे? तभी रूमी किसी को अंदर बुलाती है और हम देखते हैं और कोई नहीं बल्कि उसके साथ सैन जियोंग की गर्लफ्रेंड को, जिसको कि उसने पीटा था। योलगा देखते हुए कहती है, अरे ये कौन है, इसको तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम बहुत सारे बाइक्स को देखते हैं ब्रिज के नीचे, और वहीं पे हम सैन जियोंग को अपने दोस्तों के साथ बात करते हुए देखते हैं। वो अपने गर्लफ्रेंड के बारे में कहने लगता है कि उसका वो बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है, बिना कुछ करे उसे वो महीने का 1,000,000 won दे रहा है फिर भी उसे वो मंजूर नहीं, उसकी वजह से अब उसका मूड हमेशा चिड़चिड़ा रहता है। यहाँ तक कि उसके दोस्त लोग उससे पूछते भी है, अरे भाई तू आखिर क्या काम करता है अभी जो तुझे कोई इतना पैसा देता है, फिर से क्या कोई मतलब मर्डर वर्डर तो नहीं कर रहा है ना? पर सैन उन्हें कहता है, भाई तुम लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ वही है ना, बस इतना ही रहो, अभी मुझे जाना है। वो जाने के लिए तैयार होता है पर तभी आवाज़ आता है, सैन, और तभी सामने देखते हुए चौंकता है और उसके सामने हम और कोई नहीं बल्कि तेउन को देखते हैं। तेउन को देखते ही वो डरता है और कहता है, तेउन सियोंग, और तेउन आते ही हम देखते हैं उसे एक जोर से थप्पड़ मारता है और कहता है, क्या ये तू था ना बे? वो कहता है, रुको, क्या? तेउन उसे फिर से एक थप्पड़ मारता है और कहता है, मुझे पता है ये तू ही था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर तभी तेउन उसके सामने आते हुए कहता है, तू ही उस अटैक के पीछे था है ना, वही हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल जो कि अभी न्यूज़ में चल रहा है। ये सुन के हम देखते हैं सैन उससे आंखें चुराने लगता है और मन में सोचने लगता है, व्हाट द फक, इसे कैसे पता चला? पर वो अभी भी शिकार नहीं कर रहा है और मन में सोचे जा रहा है, क्या इसके पास कोई प्रूफ है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, अगर प्रूफ होता तो पुलिस यहाँ पे आता। और तभी कहता है, तेउन मैं अभी पैसा नहीं रहा, मैं सच में अब बहुत ज़्यादा सीधा हो चुका हूँ। मन में सोच रहा है, ये मदरफकर शायद गेस कर रहा होगा, और कहता है, हम सोचो ना, वो एक हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल है, मैं कैसे उसको मार सकता हूँ? मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा तेउन, मैं अभी चर्च में भी जाता हूँ पता है तुम्हें। वो मन में सोच रहा है, शायद उसके पास कोई प्रूफ नहीं है, वो बस हंस लगा के यहाँ पे आया है। यह सुन के तेउन कहता है, अरे क्या ऐसा है? अरे शायद हो सकता है मेरे से कोई गलती हुआ है, आई एम सो सॉरी। वैसे कैसे हो तुम? उसकी ऐसे बिहेवियर में चेंज देख के सैन जियोंग बहुत ज़्यादा चौंकता है।
और सोचता है ये मदरफकर इतना भी फ्रेंडली होने की कोशिश क्यों कर रहा है। मुझे लगा था ये मुझे यहाँ पे पीटने आया है। कुछ देर बाद हम तेहुन को बैठा हुआ देखते हैं, उसके हाथ में उसका मोबाइल देखते हैं और वो कहने लगता है, तो अभी तू अपने गर्लफ्रेंड के साथ है? वो कहता है हाँ, पर तू मेरे एड्रेस के बारे में क्यों पूछ रहा है? तेहुन कहता है अरे ऐसा कुछ नहीं है, ताकि हम चिल कर सके, कभी कभी मिल सके। सैम कहता है हम लोग दोस्त तो नहीं है ना? तेहुन कहता है चुप कर अभी, मैं किसी को टेक्स्ट कर रहा हूँ। सैम उससे कहता है तेहुन मुझे लगता है कि मुझे अब जाना चाहिए, तो मुझे मेरा जैकेट दे दे। तेहुन कहता है क्या बात कर रहा है तू, तू कहीं नहीं जा रहा है आज। और तभी देखते वो उसे जोर से एक लात मारता है, जिससे सैन जियोंग बहुत दूर जाके गिरता है। तेहुन मन में सोचता है मेरे यहाँ पे तो सब कंप्लीट, अब मैं सब कुछ तुम पे छोड़ता हूँ। और तभी हम देखते हैं रूमी को, वो सामने देखते हुए कहता है अरे ये शायद तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहा होगा है ना। उसको हम सैन जियोंग के रूम यानी उसके गर्लफ्रेंड के साथ देखते हैं। वो वहाँ पे उसके बॉयफ्रेंड यानी सैन के बारे में सब कुछ बातें निकालने आया है। वो उस बंदी से बहुत ही फ्रेंडली तरीके से बिहेव कर रहा है। और हम देखते हैं सैन जियोंग की गर्लफ्रेंड भी सब कुछ बके जा रहा है, मतलब सैन जियोंग के बारे में जितना सब कुछ था एक एक के बारे में उसको बताती जा रही है। यहाँ तक कि वो कहती भी है कि उसके पास सैन ने जब उसे पीटा था उन सब की वीडियोज़ है, ताकि वो पुलिस पे जा सके। ये सब सुन के हम देखते हैं रूमी उसके सामने बाहें फैलाती है और कहती है अरे अरे या आ जाओ, अरे या तो मैं भी जाना चाहूँगा यार, कोई ले जाओ मुझे। सॉरी। तभी देखते हैं बॉलर की वहाँ पे जाती है। रूमी तभी कहती है तुम्हारा बॉयफ्रेंड सच में बहुत बुरा है, सच में कैसे वो तुम्हें 1,000,000 won दे सकता है जबकि उसे 10,000,000 won मिलता है। वो भी कहती है एग्जैक्टली इसी बारे में तो मैं बात कर रहा हूँ। रूमी देखते हैं उसके लिए खाना भी लाई थी और बार बार वो उसके बॉयफ्रेंड के बारे में बुरा भला कहने लगती है। कहती है वो सच में तुम्हारा वैल्यू नहीं समझता, तुम उसके इतने ज़्यादा मदद करे जा रही हो और वो तुम्हें पैसे भी ठीक से नहीं देता। मैं अगर होती तो मैं कभी भी उसे माफ नहीं करती, पता है तुम्हें। आने दो सब कुछ बाहर आ जाने दो जो भी तुम्हारे अंदर है, तुमको सच में किसी ने बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया है, बहुत बुरी तरह से। ये सब सुन के हम देखते हैं बॉलर की और ज़्यादा रोने लगती है। रूमी फिर से कहती है तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है तो फिर कैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ ऐसे कर सकता है, सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक पीस ऑफ शीट है। ये सब सुन के बॉलर की कहती है तुम्हें पता है वो कितनी ज़्यादा असल है, हम जब कुछ भी ऑर्डर करते हैं शहर में ना वो अच्छी अच्छी चीज़ें अपने लिए रख लेता है और मेरे लिए बस बुरे बुरे चीज़ें होता है, ख़राब होता है वो ही रख देता है। रूमी कहती है ओ नो ये तो सच में बहुत बुरा है। और तभी देखते हैं वो कहती है मिनजियोंग एक काम करते हैं, चलो हम जिस बारे में पहले बात कर रहे थे उस बारे में बात करते हैं, मुझे बताओ क्यों तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने योनजी के डैड पर अटैक किया है। वो कहती है किसी ने उसे ये करने के लिए कहा था, किसी ने शायद उसे ऑर्डर दिया था। रूमी कहती है रियली कौन था वो? पर वो कहती है मैं तुम्हें ये नहीं बता सकती। पर तभी रूमी कहती है लिसन मिनजियोंग अच्छे से सुनो, अगर तुम सब कुछ से बाहर जाना चाहती हो, अपने आप को एक बार में फ्री करना चाहती हो, तो तुम्हें सब कुछ बोलना होगा, क्योंकि तुम्हें पता है ना जिस पर अटैक हुआ है वो कोई आम आदमी नहीं है, वो बहुत बड़े एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है, तो तुम्हें पता है ये सब कुछ कितने दूर जा सकता है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि पुलिस को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा, तुम दोनों के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा? मैं तो ये तुम्हारे ही अच्छे के लिए तुम्हें बताने के लिए कह रही हूँ। ये सब सुन के हम देखते हैं मिनजियोंग कहती है मैं कैसे, उसकी बात काटते हुए रूमी फिर से कहती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपनी लाइफ को बॉयफ्रेंड की वजह से ऐसे बर्बाद करना चाहती हो जो कि तुम्हें भाव भी नहीं देता, तुम्हें मारता पीटता रहता है, बताओ मुझे। वो तभी देखती है कहती है सियानजुंग नाम का कोई बंदा था जो कि सैन को ऑर्डर दिया था। और रूमी सोचती है इसीलिए तो मैं सोचती हूँ ये सारे जो टीन्स होते हैं इनको मैनिपुलेट करना बहुत ईजी होता है। और तभी देखते हैं उसके हाथ में एक रिकॉर्डर, उसमें ये सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है और ये रिकॉर्ड योनजी के हाथ में देखते हैं। ये सुन के वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, हैरान है, इसमें वो सारे बातें रिकॉर्ड हुआ है जो कि मिनजियोंग ने बोला था। हविन कहता है हम तुम्हारे पास ये लेके इसीलिए आए क्योंकि हमें लगा कि तुम्हें पता चलना चाहिए, अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, बताओ हमें तुम क्या करना चाहते हो। वो कहता है मैं और क्या करूँगा, ऑब्वियसली इसको पुलिस में रिपोर्ट करूँगा। पर तभी देखते हैं पीछे से उसका पापा उसका हाथ पकड़ता है और कहता है योनजी तुम इसे पुलिस में रिपोर्ट नहीं कर सकते। ये सुन के वो कहता है डैड किस बारे में बात कर रहे हो आप, उसने आप पर हमला किया है और हमारे पास अब प्रूफ है, क्यों ना करूँ मैं। पर वो फिर से कहते हैं
नहीं कर सकते तुम, बल्कि तुम्हें ये जो प्रूफ है इससे छुटकारा पाना होगा। यह सुन के यनु समझ जाता है कि उसका पापा भी दूध का धुला हुआ नहीं है, इन सब में वो भी जुड़ा हुआ है। तो वो बस इतना सोचता है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ वर यू लीडिंग। वो कहते हैं, जितना तुम चीजों को सिंपल समझ रहे हो ना यनु, सब कुछ उतना सिंपल नहीं है, मुझे अपना परिवार भी चलाना होता है। यनु बस इतना कहता है, कैसे कैसे पापा, आप इतना धोखेबाज इतना क्रूक्ट कैसे हो सकते हो जब आप गवर्नमेंट के लिए काम करते हो। वो बस इतना कहता है कि मैं बस अपनी फैमिली के लिए ये सब कर रहा था। ये सुन के वो कहता है, तो फिर मैं ऐसी अंजुन से बदला भी नहीं ले सकता। तभी हॉबिन चिल्लाता है, मैं कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे ब्याह पे फाइट करूँगा, क्या तुम मुझे ये सब कुछ हैंडल करने दोगे। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम हॉबिन को सियांजुन के होटल में देखते हैं। उसे देखते ही कहता है, आई एम अफ्रेड कि हमारा बिजनेस आज बंद है। और तभी सामने देखता है और कहता है, अरे हॉबिन तुम यहाँ पे क्यों आए हो। हॉबिन आते ही बहुत क्रीपी सा स्माइल देते हुए कहता है, उप्स सॉरी, क्या मैं तुम लोगों के खाने के टाइम पे आ गया, क्या मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। तभी सियांजुन के पास हंसते हुए जाता है और कहता है, क्या तुम अपने मील को एंजॉय कर रहे हो। सियांजुन कहता है, सीरियसली व्हाट्स रॉन्ग विद यू हॉबिन। हॉबिन हंसता है और कहता है, तुम्हें पता है यनु के पापा वो खा भी नहीं पा रहे हैं। सियांजुन मन में सोचता है, उसको लगता है कि ये सब करके ऐसे एक्टिंग करके वो छूट जाएगा। वो यनु की डैड को ना पहचानने का ढोंग करता है और कहता है, कौन है यनु का डैड। और मन में सोचता है, उसको कैसे पता चला, पर कोई बात नहीं, अब ये मैटर नहीं करता क्योंकि उसके पास कोई प्रूफ तो नहीं होगा। पर तभी हम देखते हैं हॉबिन उस रिकॉर्डर को दिखाते हुए कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं जोक कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, ये एक कॉन्फेशन है, कॉन्फेशन उसी गाय के गर्लफ्रेंड का जिसको तुमने हायर किया था। और तभी वो उस रिकॉर्ड को चलाता है जिसमें उसका नाम और उसने जो ऑर्डर दिया था वो क्लियरली बताया गया है। और हॉबिन ये भी कहता है, सियांजुन का गर्लफ्रेंड तुम्हें पता है बदला लेने के लिए बहुत बेताब है। सियांजुन तुम्हें क्या लगता है, हर किसी का प्राइवेट लाइफ तुम्हारी तरह क्लीन होता है। बिल्कुल नहीं। सियांजुन को देखते हैं, ये सब सुन के बहुत जोर से धक्का लगा है, वो बहुत हैरानी से हॉबिन की तरफ देखता है। और तभी हॉबिन उसी तरीके से जैसे कि सियांजुन ने उसे कहा था उसी तरीके से कहता है, सियांजुन क्या तुम चाहते हो कि मैं इस एविडेंस से छुटकारा दे दूं। ये सुन के सियांजुन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, गुस्से में हॉबिन की तरफ देखने लगता है। तभी हमें थोड़ा सा पास्ट की सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्नैपर उसे मना कर रहा था क्योंकि उनके पास ये प्रूफ होने के बावजूद कोई एडवांटेज नहीं है क्योंकि अब वो इस बारे में पुलिस को रिपोर्ट तक नहीं कर सकते इसीलिए। पर हॉबिन एक चांस लेता है कि वो जाके सियांजुन को ब्लैकमेल करेगा, अगर ये काम करता है तो फायदा ही फायदा। और हॉबिन कहता भी है, स्नैपर मैं बेट लगाने जा रहा हूँ, बताओ मुझे क्या तुम नहीं चाहते उसका 5 मिलियन जो सब्सक्राइबर्स है वो हमारे पास आ जाए। सियांजुन और हॉबिन को आमने सामने देखते हैं। सियांजुन कहता है, तुम्हारी वजह से तुम्हारी मॉम की लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, क्या तुम इससे डील कर पाओगे। पर हॉबिन भी कहता है, तुम्हारा लाइफ क्या बच जाएगा, तुम्हारा लाइफ भी पूरी तरह से फक्ड अप हो जाएगा, क्या तुम इससे डील कर पाओगे। और मन में सोचता है, फाइनली हम लोग अब इक्वल फुटिंग पे है। और तभी चिल्ला के कहता है, सियांजुन भी एक चलो एक बेट करते हैं, अगर तुम जीते तो मैं इस एविडेंस को बर्बाद कर दूंगा और अगर मैं जीता तो मेरी मॉम का कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास आ जाएगा, चलो स्कोर पर सेटल करते हैं, मेरी कंपनी वर्सेस तुम्हारी कंपनी, अब फाइट करेंगे। तभी हम सबको आमने सामने देखते हैं। सो अब आने वाला है असली मज़ा। अगर आपको ये सब कुछ देखना है सब्सक्राइब कर लो और जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ कैसा लगा ये एपिसोड। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो। थैंक यू सो मच देखने के लिए।